हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो चलिए हमारे वर्कशॉप का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं कुछ तीन चार कंपनीज के बारे में डिस्कस करता हूँ जिनका रिजल्ट कल शाम के आसपास को आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्सपन लिविंग करके कंपनी की। तो मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो वेल्सपन लिविंग क्या करती है, पहले उसका मॉडल थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है। इनका 90% सेल एक्सपोर्ट से आता है, 10% सेल्स डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में है, ठीक है। अब ये क्या बेचती है, ये बेचती है बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखोगे बेड और आपका बाथरूम का लिनेंस, ठीक है। मतलब अब देखोगे ये जो बेड कवर, बेड शीट, पिलो केसेस, पिलोज, फिर अगर आप बाथरूम में भी देखोगे टॉवल्स वगैरह, ये सब चीजें कंपनी बेचती है अपने एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है। मेजॉरिटी जैसे मैंने बताया 90% उनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, और एक्सपोर्ट कहां करते हैं, यूएस में करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये जो बाथरूम एंड बेड लिनेंस के सारे सामान ये करते हैं, मेजॉरिटी अपने एक B2B होके, मतलब यूएस के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं, वो अपने रिटेल कस्टमर्स को बेचते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वेल्सपन लिविंग का एक मॉडल का एक शिफ्ट हो रहा है रिसेंटली। तो मॉडल का शिफ्ट क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में ये लोग B2C में शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ वेल्सपन ओनली। मतलब यूएस में जो हो रहा है B2B में, मतलब देखिए B2B में क्या है ना, आपके पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं होता है ना, बिकॉज अल्टीमेटली आपसे जो ले रहे वो भी आपका प्रोडक्ट लेके अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं। कोई बड़ा ब्रांड देख लो, वॉलमार्ट टाइप का देख लो, जो भी हो, ठीक है, आपका ये कॉस्टको देख लो, वॉलमार्ट देख लो, या कोई और ब्रांड्स के बारे में भी आप सोच सकते हो। लेकिन इंडिया में ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ये लोग B2B से B2C का ट्रांजिशन इंडिया में कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये लोग अपना एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स बना रहे हैं जहां पे सिर्फ वेल्सपन का प्रोडक्ट्स कस्टमर्स डायरेक्टली खरीद पाएंगे। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट मतलब जो आप देखोगे ये रास्ते में जाओगे तो आपको दुकान मिलेगा ना, जहां पे सिर्फ से फॉर एग्जांपल वेल्सपन का सामान आपको मिलेगा। तो इनका कुछ 20-30 के आसपास दुकान खुले हैं, एंड आई थिंक उनका टारगेट है 1-2 साल के अंदर कुछ 150 EBOs खोल दे। दूसरे साइड जो कंपनी का अच्छा लगा मुझे वो है कि डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को डबल किया। आई थिंक दे हैड अराउंड 10,000 पॉइंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट फिस्कल, और एट द एंड ऑफ FY24 आई थिंक द नंबर हैज डबल टू आई थिंक अराउंड 20,000 डिस्ट्रीब्यूशन और टू टच पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गई बात। तो मतलब क्या, डोमेस्टिक मार्केट में, और देखिए अगर आप B2C होते हो ना तो आपका मार्जिन बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक करोगे, और अगर आपका एक ब्रांड है तो यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, राइट, आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अब एक बात करते हैं कि इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है, विच इज स्टिल 90% ऑफ टोटल सेल्स, द एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट डिड वेरी वेल, दे ग्रू 19% YOY इन Q4, ठीक है। अब अगर आप पूरे साल का भी देखोगे 20% का ग्रोथ है उनका, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट इज द मेजर पार्ट, तो एक्सपोर्ट पे अभी तो बात करना ही पड़ेगा। जो मैंने बताया कि आगे जाके शायद डोमेस्टिक पार्ट का वो जो पाई का पार्ट डोमेस्टिक का वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये फिर भी एक एक्सपोर्ट कंपनी है। तो अभी अगर आप देखोगे वेल्सपन में, आप पिछले एक साल में हमारे दुनिया में कितने सारे लड़ाई झगड़ा हुआ, यूक्रेन, रशिया, मिडल ईस्ट का लड़ाई, अब तो ईरान का लड़ाई, लेकिन इन सबके बीच में फिर रेड सी क्राइसिस हुआ, सबके बीच में इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट बाजार है, एक्सपोर्ट सेगमेंट है, उसमें डीग्रोथ या कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उनका सेल्स 19-20% से बढ़ा, विच इज अ वेरी गुड साइन, राइट, एंड सिंस एक्सपोर्ट इज 90% ऑफ टोटल सेल्स, तो इनका कंपनी का पूरा FY24 ओवर FY23 का सेल्स भी बढ़ा अराउंड 19-20% से, 19-20%, ठीक है। अब यहां पे एक बात आता है कि जो मुझे अच्छा लगा इस कंपनी का, कि जब FY23 खत्म हुआ था तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि FY24 में हमारा सेल्स कुछ 12% के आसपास बढ़ेगा, 12%, ठीक है, 1-2। नाउ जब FY24 का जो पहला जो 3 क्वार्टर हुआ, उस 3 क्वार्टर के बाद इनको जो रिजल्ट्स दिखा, इनको जो एग्जीक्यूशन दिखा, तो इन्होंने क्या किया था, लास्ट कॉन कॉल का बात कर रहा हूं ये, ठीक है, अभी Q4 का कॉन कॉल मैंने सुना नहीं है, तो Q3 का कॉन कॉल का बात कर रहा हूं, तो वहां पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया था कि हमने 12% का तो गाइडेंस दिया था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हमने देखा फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, मतलब अगला 9 महीने में, वी वुड वॉन्ट टू इंक्रीज अवर गाइडेंस फ्रॉम 12-15%। अब ये कोई भी स्टॉक के लिए अच्छा चीज होता है ना, जब कंपनी का गाइडेंस बढ़ता है। गाइडेंस का मतलब है कि आपने जो पेस ऑफ ग्रोथ से ग्रो करने का बात किया था, अगर बाद में जाके आप उसका गाइडेंस, उस नंबर को बढ़ाते हो, मतलब क्या, मैनेजमेंट को और ज्यादा डिमांड दिख रहा है देन कंपेयर टू द डिमांड जो पहले दिखता था। मतलब वही वाला गाड़ी वाला एनालॉजी ले लो, पहले सेकेंड गियर में गाड़ी जा रहा था, अभी वो बता रहे कि वो थर्ड गियर में जाएगा, गॉट इट, मतलब अब गाड़ी आगे जाएगा लेकिन उसका स्पीड भी बढ़ेगा, राइट, इसीलिए उसने गाइडेंस बढ़ाया।
और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि Q4 का जो नंबर है वहां पे उनका सेल्स का, जैसे मैंने आपको डेटा दिया, 20% का ग्रोथ है इनका Q4 ओवर Q4 में, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका टोटल ईयर का सेल्स भी 20% का ग्रोथ दिखाया। तो इसका क्या मतलब, 12% का अपने गाइडेंस दिया था, फिर अपने गाइडेंस को 15% किया, और अभी एट द एंड ऑफ द डे आपने 20% का ग्रोथ दिखाया, है ना। सो दैट्स अमेजिंग राइट, क्योंकि 12% बोल के, क्योंकि देखिए उल्टा सोचिए कितने सारे कंपनीज, मुझे एक कंपनी के बारे में मैं चलो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, लिंक लिमिटेड करके कंपनी जो ये लिंक का पेंस बेचते हैं, उनका गाइडेंस था 20-25%, और फिर उसके बाद उसका ग्रोथ का अगले एक दो क्वार्टर में उसका ग्रोथ घट के हो गया 4-5%, और उन्होंने क्या किया फिर अपने गाइडेंस को घटा के 17% कर दिया, 17% कर दिया। तो ऐसे कंपनीज का आप देखोगे स्टॉक नीचे जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरे साइड में जो कंपनी अपने गाइडेंस को बढ़ाता है उसका स्टॉक ऊपर जाता है, और ऑफकोर्स उसके बाद अगर उसके एग्जीक्यूशन चलता गया तो स्टॉक नया हाइज बनाता रहता है, गॉट इट। तो यहां पे इसीलिए मुझे कंपनी अच्छा लगा। तो वेल्सपन लिविंग का 20% का ग्रोथ है, और सबसे इंप्रेसिव बात जैसे मैंने वो बताया, मैं बार बार बताता हूं यही बात के लिए, इतने सारे यूरोप में प्रॉब्लम, यूएस में प्रॉब्लम, इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम, रेड सी का क्राइसिस एंड ऑल दैट के बाद भी दे कुड ग्रो एट 20% इन FY24। वैल्यूएशन के एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि लाइक FY24 में इनका कुछ प्रॉफिट आया कुछ 680 करोड़ का, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर इसका 15-20% का भी ग्रोथ आता है प्रॉफिट का, तो FY25 में आई कैन एस्टिमेट 800 करोड़ के आसपास का पैट कर सकता है, और कंपनी का अभी का मार्केट कैप है 15,000 करोड़, ठीक है। तो 15,000 करोड़ अगर आप ये स्टॉक लेते हो, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना जो दिल में आता है वही मैं बोलता हूं, तो 15,000 करोड़ मार्केट कैप एंड 800 करोड़ 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो उसमें हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू पे, यू हैव टू पे लेस देन 20 टाइम्स फॉर अ कंपनी दैट ग्रू 20% Q4 ओवर Q4। तो अगर आप पीटर लिंच का पेग रेशियो देख लोगे, सो पीई है 20 के नीचे और ग्रोथ है 20, सो द पेग रेशियो इज लेस देन 1, ठीक है। तो डील इतना बुरा नहीं है, ठीक है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, अभी हमें कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने 680 से 800 का एजम्पशन लिया, ये मैंने कॉन कॉल बिना सुन के मैंने ये बोला। अब कॉन कॉल सुन के देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अपना गाइडेंस का नंबर किस तरफ लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज माई जॉब इज टू लिसन टू द गाइडेंस का नंबर ऑफ द मैनेजमेंट, और फिर ये 1 ईयर फॉरवर्ड, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे मैं देखता हूं कि मैं कितना टाइम्स आज मुझे पूरा मार्केट कैप, मतलब पूरा कंपनी को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी एस्टिमेट से मैं देख सकता हूं कि 15-20-25 के पी के रेंज में है ये, ठीक है, और ये 20% का ग्रोथ कर रहा है। सो इन अ पेग रेशियो लेवल, जब अगर आपने पीटर लिंच का बुक पढ़े हो तो आप देखोगे वो 1 के आसपास के नंबर आता है, सो नॉट अ बैड डील फॉर मी। तो ये हो गया वेल्सपन। अभी हम दूसरा बात करते हैं, चलो अभी थोड़ा मारुति का बात कर लेते हैं। मारुति बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मारुति का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। मतलब मारुति इतना बड़ा बेस में, मारुति कैन स्टिल ग्रो वॉल्यूम्स, उनका वॉल्यूम्स आई थिंक गाड़ी का वॉल्यूम्स बढ़ा बाई 13.5%, ठीक है। तो इतने बड़े बेस में 13.5% का वॉल्यूम का ग्रोथ Q4 ओवर Q4 इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड नंबर, ठीक है। क्योंकि मारुति पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे तो वो 8-10% से वॉल्यूम ग्रोथ करता था, विच इज एट पार विथ ले से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कार इंडस्ट्री का ग्रोथ है इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहां पे मारुति का जो वॉल्यूम्स का ग्रोथ है 13.5% का YOY, दिस हैज बीन लेड एंटायरली बाय द यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट, ठीक है। उनका आप देखोगे यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट इज नाउ ऑलमोस्ट 36-40% ऑफ देयर टोटल सेल्स, जबकि 2-3 साल पहले दिस नंबर वॉज वे लेस, ये पार्ट ऑफ द पाई वॉज वे लेस टू टोटल सेल्स। क्योंकि मारुति का आप देखोगे जो मिनी वाला सेगमेंट है और जो कॉम्पैक्ट वाला सेगमेंट है, ये सब छोटा छोटा, ये सब स्विफ्ट डिजायर एंड और भी जो मारुति का जो छोटे छोटे जो गाड़ी है, इनका वॉल्यूम्स का डिग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मतलब लोगों को ये वाले एंट्री लेवल कार उतना अच्छा नहीं कर रहे, प्रीमियम कार्स अच्छे कर रहे। और आपने तो देखा ही होगा, लाइक आज आप बाहर जाओगे, रास्ते में जाओगे, यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट SUV, UV, XUV, इनका जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास हो गया। तो 1 out of every 2 कार ऑन द स्ट्रीट आज आप देखोगे यूटिलिटी व्हीकल के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। वो सब छोटे छोटे मिनी कार्स कोई आज ले नहीं रहे उतना। सो इसी वजह से क्या हुआ, मारुति का वॉल्यूम का ग्रोथ आया। दूसरे साइड में आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस, मतलब इनका जो स्टील व्हील का प्राइसेस है, कॉमोडिटी एल्यूमिनियम स्टील कॉपर जो भी लगते हैं इनके गाड़ी में, तो आप देखोगे अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर उतना है नहीं, कॉमोडिटी प्राइसेस आर लाइक अभी थोड़ा बिनाइन है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मारुति को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। तो इनका टोटल सेल्स ग्रोथ है 19% YOY, ठीक है, फुएल्ड बाय वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 13-14%, ठीक है। बाकी ऑफकोर्स उनका थोड़ा बहुत प्राइसेस बढ़ाया गाड़ी का, 5-6% है उनका वैल्यू ग्रोथ,
13-14% है वॉल्यूम ग्रोथ, तो वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ मिला के सेल्स ग्रोथ ऑफ 19%। और यहाँ पे सिंस कॉमोडिटी प्राइसेस में इनको थोड़ा बहुत फायदा मिला तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो 47% ऑन अ वाईओवाई बेसिस, दिस इज ऑल्सो गुड राइट। तो मारुति का रिजल्ट तो अच्छा ही लगा, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे मारुति का रिजल्ट, लेकिन मारुति से आप वो भी उम्मीद मत रखना कि 20% का ग्रोथ देगा, है ना। कल जाके फिर से कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ेगा, फिर से वॉल्यूम का ग्रोथ में इश्यूज आ सकता है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक मारुति जैसा कंपनी, आई नो द रिजल्ट इज वेरी गुड, बट मैं एक क्वार्टर का रिजल्ट को देख के मैं मारुति जैसे कंपनी को आई वोंट बाय, बिकॉज मेरा कहना है कि लाइक आई डोंट वांट टू बाय अ कंपनी जो इतने लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका 40-50% का मार्केट शेयर ऑलरेडी हो गया है, है ना। और आज आप देखोगे कि लाइक मुझे एक्चुअली वैसा कंपनीज अच्छा लगता है जिनका एक छोटी सी बेस हो एंड दैट कैन ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन लेट्स से कंपनीज लाइक मारुति। बट देन हैविंग सेड दैट, मैं अपना ओपिनियन अपने पास ही रखता हूँ, अल्टीमेटली मारुति का रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट, ओके। तो ये हो गया मारुति। अब तीसरा हम बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आप सबको पता ही है कि लाइक वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है बेस्ड आउट ऑफ यूपी बिहार से, यूपी और बिहार में इनका प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद इनका झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में भी ढंग का प्रेजेंस है एंड दे आर ट्राइंग टू गो पैन इंडिया और बाकी स्टेट्स में भी 10-10, 20-20, 30-30 करके सब ब्रांचेस खोल रहे हैं। सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखोगे उसका लोन बुक का दो कैटेगराइज कर लो, पहला वाला जो है माइक्रो फाइनेंस का बुक विच इज अराउंड 62% ऑफ द लोन बुक, और दूसरा जो है वो है कि आपका 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 सिक्योर्ड रिटेल बुक। बाय द वे माइक्रो फाइनेंस जब मैं बताता हूँ वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, मतलब गांव के औरतों को मिला के आपको आप लो टिकट अनसिक्योर्ड लोन्स देते हो, 30,000, 40,000, 50,000 कर करके लोन्स देते हो उनका इनकम जनरेशन के लिए, राइट। तो ये पूरा माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है 62% दैट्स एन अनसिक्योर्ड साइड, वो जो 38% है रिमेनिंग वो है आपका सिक्योर्ड साइड। और ये लोग क्या करते हैं सिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग करते हैं, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, किसी का प्रॉपर्टी है तो किसी का दुकान के लिए लोन दे दिया। फिर आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का भी उनका सेगमेंट है, मतलब हाउसिंग लोन देते हैं बोथ इन अफोर्डेबल एज वेल एज नॉन अफोर्डेबल। इनका तो हाउसिंग का टिकट साइज का एवरेज टिकट साइज भी 15-20 लाख के आसपास है, तो उतना भी अफोर्डेबल नहीं है जितना से ये जो आवास और एप्टस जैसी है। और तीसरा है कि आप देखोगे इनका कमर्शियल व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट है। तो उत्कर्ष क्या कर रहा है, पिछले 2 साल से यही कोशिश कर रहा है, आईपीओ के बाद से मैनेजमेंट का यही कहना है कि हम सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाएंगे, ठीक है, वरना क्या है कल माइक्रो फाइनेंस साइकिल घूम जाएगा और फिर से उत्कर्ष का ईपीएस में मतलब बहुत भारी वॉलेटिलिटी आ जाएगी। तो ये लोग पिछले साल में द सिक्योर्ड एमएसएमई रिटेल पार्ट जो मैंने बताया एमएसएमई होम लोन एंड सीबीसी दैट वॉज 31% ऑफ द पोर्टफोलियो, नाउ इट इज 34% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड आई गेस 1-2 साल में 40% के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो ये बनती है पहले वाला पॉइंट। दूसरा है कि लाइक उत्कर्ष का क्या हुआ था, Q3 में उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ था, ठीक है, जीएनपीए नंबर Q2 से थोड़ा सा बड़ा था, जीएनपीए ग्रॉस एनपीए, ठीक है, क्यों बड़ा था, बिकॉज देखिए इनका आज भी मेजोरिटी कस्टमर्स माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स है, देखिए घर में जाके इनको नॉक करके कलेक्शन उठाना पड़ता है, सो कलेक्शन थोड़ा खराब हो गया था बिकॉज ऑफ फेस्टिव पीरियड, बहुत लोग शायद अपने गांव में चले गए इधर उधर चले गए तो उनको कलेक्शन एफिशिएंसी अगर प्रॉब्लम आता है तो ऑफकोर्स आपको प्रोवाइड करना पड़ता है और आपका एसेट क्वालिटी को थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है कि आपका खराब हुआ। लेकिन मैनेजमेंट ने पिछले कॉन कॉल में यही बताया था कि जनवरी बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि कॉन कॉल उनका जैन में हुआ था, ठीक है, और Q4 विल बी बेटर देन Q3। अब देखिए मैं इस सब वीडियोस क्यों बनाता हूं, सो दैट इट हेल्प्स यू टू ट्रैक द बिजनेस ना, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस पे हो क्या रहा है इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट एन आइसोलेटेड Q4 का नंबर। तो अभी मैं बोल सकता हूं आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दिस कि लाइक Q4 में उत्कर्ष का मैनेजमेंट जो Q3 में बताई थी वो सब कुछ सही हुआ, ठीक है। मतलब अभी Q4 में आप देखोगे इनका कलेक्शन का एफिशिएंसी का नंबर हैज गॉन अप, राइट, इनका क्रेडिट कॉस्ट हैज कम डाउन और इनका एसेट क्वालिटी हैज बिकम इवन बेटर। तो इनका जीएनपीए का नंबर है 2.5% अभी कंपेयर टू 3% इन द लास्ट क्वार्टर, सो दैट्स ग्रेट। क्रेडिट कॉस्ट हैज आल्सो इंप्रूव्ड, राइट, सो एसेट क्वालिटी के साइड में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अभी अगर मैं बात करूं उत्कर्ष का आपका लोन बुक के एंगल से, सो द लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ हैज आल्सो गॉन अप, बिकॉज अब देखोगे बैंकिंग स्पेस में ना द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलवेज बेटर देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, राइट, बिकॉज सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में फेस्टिवल पीरियड आता है, सो Q3 Q4 में डिसबर्सल्स आर हायर देन Q1 एंड Q2, इसलिए आपको कभी ना H1 और H2 को कंपेयर नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दिस, राइट, सो एसेट क्वालिटी तो अच्छा ही है, राइट, AUM ग्रू 31%, मतलब लोन बुक ग्रू 31% विच इज मोस्टली फ्यूल्ड बाई डिपॉजिट ग्रोथ, डिपॉजिट्स ऑल्सो ग्रू 27% YOY। उत्कर्ष एक और अच्छी चीज है कि लाइक इनका, बिकॉज क्या होता है जब कोई सिक्योर्ड बुक में ज्यादा फोकस करते हैं जैसे उत्कर्ष कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, राइट, सिक्योर्ड बुक में फोकस करते हैं तो यहाँ पे क्या कभी कभार क्या होता है सिक्योर्ड लेंडिंग में आपको उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब आपका ईल्ड उतना होता नहीं जितना अनसिक्योर्ड में होता है। लेकिन उत्कर्ष का एक और चीज जो मुझे अच्छा लगा कि वो अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बरकरार रख रहा है अपने कॉस्ट कंट्रोल मेजर से, और ऑफकोर्स हैविंग सेड दैट उनके सिक्योर्ड बुक
भी जहां भी वो जा रहे हैं उनको अच्छा खासा यील्ड मिल रहा है. सो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टिल है 10% के आसपास, विच वॉज सेम क्वार्टर लास्ट ईयर भी उनका 10% के आसपास भी था. सो दैट्स अ गुड साइन. ओके, मैं देखता हूं कि और कुछ मैं मिस किया कि नहीं. हाँ ओके, अगर मैं थोड़ा सा आपको डेटा बोल दूं, जैसे मैंने बताया सिक्योर्ड से मतलब नॉन सिक्योर्ड से सिक्योर्ड में ज्यादा फोकस है. इसका मतलब ये नहीं कि लाइक वो माइक्रो फाइनेंस पे एकदम ही फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन द सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस. लाइक मैं थोड़ा नंबर बता दूं, एमएसएमई का स्पेस ग्रू 67% YOY, हाउसिंग ग्रू 30% YOY, एंड सीबीसी इज ग्रोइंग एट अराउंड 69-70% ऑन अ YOY लेवल. बट ऑफकोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दीज आर कमिंग आउट ऑफ अ लोअर बेस. माइक्रो फाइनेंस आज भी इनका प्रीडोमिनेंट सेगमेंट है, विच इज 62%, बट दे आर नॉट ग्रोइंग एट दिस रेट एट विच द सिक्योर्ड रिटेल पार्ट इज ग्रोइंग. ठीक है, तो यही वाला पॉइंट है. एसेट क्वालिटी अच्छा है, डिपॉजिट लोन बुक का पेस अच्छा है. उत्कर्ष का सबसे अच्छी पॉइंट है के लिए उत्कर्ष का आरओई का नंबर इज अराउंड 20%. तो जब भी आप कोई फाइनेंशियल देखोगे तो आरओई का नंबर देखना. इफ द आरओई नंबर इज मोर देन 15-20%, दैट मींस फाइनेंशियल इज अ वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल. तो 20% का आरओई है, आरओए भी नॉर्थ ऑफ आई थिंक 2.5% है. सो उत्कर्ष इज डूइंग ऑल द गुड थिंग्स. ओके, और मुझे Q4 का नंबर उनका बहुत ही अच्छा लगा. द वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज के लिए इनका ईपीएस का उतना ग्रोथ नहीं आया, और द प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक में मतलब द पैट ग्रू ओनली 21% on YOY basis. ठीक है, अब ये हो सकता है कभी कभार, because देखिए अगर आप grow कर रहे हो at a fast pace, ठीक है, तो आपका cost में कभी कभार control नहीं होता है. So I would rather want to be with a financial जिसका cost में control नहीं है लेकिन asset quality में control है, than a financial जिसका let's say for example asset quality में control नहीं है और भर भर के provision करवा रहे हैं और अपना profits का growth नहीं दिखा रहे. Got it? जैसे बंधन बैंक टाइप के कंपनी हो गई. ठीक है, तो उत्कर्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है. इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी नॉर्थ ऑफ 20% है, मतलब बैलेंस शीट का 22% इनका कैश में पड़ा है. सो दे आर सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी. सब कुछ सही है उत्कर्ष का, कोई 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 इश्यूज नहीं है. एंड आई रियली लाइक द Q4 का नंबर्स. अब तो कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, सुन के मैं ऑफकोर्स आपको अपडेटेड वीडियोस तो मतलब देता ही रहता हूं. एक और कंपनी कर लेते हैं, वह है VST इंडस्ट्रीज, सिगरेट बेचने वाला इंडस्ट्री, लीफ टोबैको बेचने वाला इंडस्ट्री. ठीक है, तो VST इंडस्ट्रीज का रिजल्ट मुझे अच्छा ही लगा इस बार. जनरली इतना ग्रोथ आता नहीं है इसमें, लेकिन इस बार आ गया. ठीक है, 20% का सेल्स का ग्रोथ है YOY इन Q4 ओवर Q4. फिर उसके बाद आप देखोगे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, मतलब ऑलमोस्ट पैट का ग्रोथ है 30% का. तो ये क्यों हुआ? अब पॉइंट ये है कि VST कॉन कॉल नहीं करता है, तो ये जो 20% का ग्रोथ है मैं उनसे पूछ नहीं पाऊंगा कि क्यों 20% का ग्रोथ, इतना ग्रोथ कहां से आया. जनरली इस रेट से ग्रो नहीं करता है. लेकिन अगर आप FY23 का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो उन्होंने वहां पे जिक्र किया था कि हम गुजरात और महाराष्ट्र में मतलब अपना प्रेजेंस को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो शायद उस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ही हुआ. ठीक है, बट अगेन हैविंग सेड दैट वो 9-10 महीने पुराने का डॉक्यूमेंट है. शायद मैं पता नहीं मैं लिंक भी सही कर रहा हूं कि नहीं, वो तो शायद हमें अगले एनुअल जनरल मीटिंग एंड एनुअल वो जो एनुअल रिपोर्ट आएगा उसी से ही पता चल जाएगा. लेकिन VST का 22% का सेल्स का ग्रोथ इज अ लिटिल सरप्राइजिंग. एक और चीज सरप्राइजिंग होता है कि अगर आप इंडिया में भी देखोगे हर चीज तो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में चल रहा है. दारू हो, सुट्टा हो, कपड़े हो, जूते हो, तो सुट्टे का भी प्रीमियमाइजेशन चल रहा है. मतलब द प्रीमियम सुट्टा मतलब द प्रीमियम सिगरेट्स आर डूइंग बेटर देन द वैल्यू एडेड सिगरेट्स. ठीक है, आई मीन द वैल्यू पोर्टफोलियो सिगरेट्स. तो इसीलिए मुझे और भी थोड़ा सा ये लगा कि बिकॉज इनका VST इंडस्ट्रीज का कोई प्रीमियम सिगरेट का कोई ब्रांड है नहीं. आप देखोगे इनका एक ब्रांड है टोटल करके. अगर आप सुट्टा पीते हो, छुप छुप के पीते हो या फिर ओपनली पीते हो, जैसे भी हो, आपने आपको पक्का देखा होगा कि टोटल का एक ब्रांड आता है. ठीक है, उनका एक मिंट फ्लेवर आता है, फिर नॉर्मल एक फ्लेवर आती है. अब मुझे इतना कैसे पता, बिकॉज मैं 10 साल के ऊपर सिगरेट पिया हूँ. सो मैं बहुत सिगरेट पीता था एक टाइम पे. सो मैंने भी ये टोटल वगैरह पिया हूँ. सो बेसिकली वही है ना, बट टोटल का सिगरेट वो 5-7-8 रुपए का आता है. दैट इज नॉट अ प्रीमियम थिंग, बट टोटल इज द बेस्ट ब्रांड जो अभी उनके लिए सबसे सही कर रहा है. ठीक है, सो अगेन कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट है. मुझे पता नहीं है 20% का सेल्स ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं, बट अगेन जस्ट लाइक मारुति आई डोंट वांट टू मेक अ कमेंट के लाइक आगे जाके खराब हो जाएगा एंड ऑल दैट. मैं इतना छोटा सा एक बंदा, 2 पेज डॉक्यूमेंट पढ़ के मैं इतना बड़े बड़े कंपनीज का कैसे प्रेडिक्ट करूं, है ना. सो ऑल आई एम सेइंग इज के अच्छा लगा मुझे VST का रिजल्ट, मारुति का रिजल्ट, उत्कर्ष का रिजल्ट, वेल्सपान का रिजल्ट. तो ये जो चार कंपनीज मैंने डिस्कस किया, मुझे चारों का रिजल्ट ही एक्चुअली बहुत अच्छा लगा इनका Q4 में. अब देखते हैं आगे जो होता है, वैसे करके ही वीडियोस बना के आपके सामने मैं डालता रहूंगा.